नमस्कार, आप देख रहे हैं कोटद्वार न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुजल वर्मा। कोटद्वार में आज कौड़िया चेक पोस्ट पर परिवहन विभाग के कर्मचारी हरी सती के खिलाफ आम जनता ने आक्रोश जाहिर किया। दरअसल परिवहन विभाग के कर्मचारी पर आरोप लगे हैं कि सिद्धबली मंदिर की शोभा यात्रा के लिए आने वाले आवश्यक वाहनों को परिवहन विभाग की चेक पोस्ट पर रोका गया और उनसे पैसे की डिमांड की गई और पैसे न देने पर गाड़ी को काफी देर तक खड़ा कर लिया गया और बाद में चालान कर दिया गया। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले को शांत किया गया, जिस कारण शोभा यात्रा में होने वाली तैयारियों को भी काफी देर रोकना पड़ा। पैसे मांगने की बात सुनकर महोत्सव समिति के सदस्य सुमन कोटनाला और विवेक अग्रवाल मौके पर पहुंचे और परिवहन विभाग के अधिकारी को ड्राइवर से अवैध वसूली करने के मामले में फटकार लगाई और कहा कि यदि महोत्सव में आने वाली आवश्यक सेवा की गाड़ियों में कोई दिक्कत थी तो समिति से बात करके उसका समाधान निकालना चाहिए था, लेकिन इस तरह गाड़ियां रोकने से मेले के कई कार्य प्रभावित हो रहे हैं। वहीं परिवहन विभाग के कर्मचारियों के इस बर्ताव को देखते हुए आम जनता भी मौके पर पहुंच गई और परिवहन कार्यालय कोटद्वार के खिलाफ सभी ने आक्रोश व्यक्त किया। आपको बता दें कि कोटद्वार परिवहन कार्यालय के कर्मचारी हरी सती के खिलाफ पहले भी सीएम पोर्टल पर शिकायत की गई है। ऐसे में इस तरह के कर्मचारियों के खिलाफ जल्द ही कार्रवाई होना आवश्यक है। वहीं इस मामले में एआरटीओ कोटद्वार निखिल शर्मा ने बताया कि ये चालान से जुड़ा मामला है, जो भी आरोप लगे हैं उनकी जांच की जाएगी। साथ ही बताया कि हरीश सती की तैनाती सचल दल में की गई है, लेकिन वाहन उपलब्ध न होने के कारण उन्हें कौड़िया चेक पोस्ट पर तैनात किया गया है। मेरे को आज ही जानकारी में आया कि कोई ये स्थानीय व्यक्ति हैं और काफ़ी सालों से कोटद्वार में ही कार्यरत हैं और पहले भी ये मेले को लेकर कहीं ना कहीं मेले की चीज़ों को पहले भी रोकते रहे, ये आज संज्ञान में आया है। तो अगर ऐसा है तो ये भगवान का मेला है, हमारा तो कुछ है नहीं इसमें, सभी लोगों का साथ होता है। प्रशासन हमें, थाना, तहसील, सभी से बड़ा अच्छा सहयोग मिलता है, सभी हमारे साथ खड़े होते हैं इस मेले में। सभी बाबा का मेले को अपना मेला मानते हुए, लेकिन आज जो उनके द्वारा मतलब किसी तक अगर देखिए उन्होंने किसी कटु भावना से किया है जैसा उनका कहना है, तो ज़रूर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आज विधायक जी ने भी, हमारे जो मंदिर के महंत हैं श्री दिलीप रावत जी, उन्होंने भी उनसे बात करनी चाहिए तो उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया कि मैं यहाँ पर ही आ जाइए, यहीं पर आके बात होगी।